आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह ने आज नगर पालिका परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों के साथ वार्ता कर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं को सुना, जिस पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान करने की बात कही गई। बड़ी संख्या में नगर पालिका सभागार पहुँचे सफाई कर्मचारियों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान नगरपालिका द्वारा दी जा रही सुविधाओं से भी उन्हें अवगत करवाया गया। वहीं ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए और सरकार द्वारा तय मानकों को लागू करने की भी बात कही गई। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आयोग लगातार कार्य कर रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव से भी वार्ता की गई है और आज की बैठक की जानकारी के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से भी उन्हें अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई है, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके लिए आयोग शीघ्र ही एक शिविर का आयोजन कर योजनाओं की जानकारी कर्मचारियों को दी जाएगी। देखिए, मैंने अभी पूर्व में बताया था, भ्रमण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह कर्मचारी हित के लिए हम लोग भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान जैसे कि ESIC और PF और उनकी यूनिफॉर्म और उनका जितना भी मेडिकल चेकअप है और किन किन हालातों में किन किन परिस्थितियों में कर्मचारी कार्य करता है, तो सब इन्हीं विषय को लेकर के हमारा इसमें चर्चा रहती है। और साथ ही जो भी ऐसी समस्या लगती है कि जिस पे कार्रवाई होना उचित है, तो उसे हम इस भ्रमण के दौरान कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम हाथों हाथ हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें निर्देश जारी कर करके उन पे काम करने का कार्य किया जाता है। देखिए, यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि कर्मचारी को जो जो सुविधाएँ मूल रूप से मिलनी चाहिए, जैसे कि यूनिफॉर्म्स हैं, उनका एक मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए नियमित। जैसे कई बार मैंने निकाय में देखा है, अपनी बैठक मेरी पूर्व में जिला हरिद्वार की 14 निकाय मैंने पूरी करी हैं, उनमें मैंने जो मूल जो समस्या मेरे सामने जो आई है वे ESIC और PF को लेकर के ज़्यादातर है। पूर्व में मेरी एक बैठक भी हुई थी 4 तारीख में अब से अगस्त की, तो उसमें मैंने राधा रोतड़ी जी जो बहन जी हैं हमारी मुख्य सचिव, उनसे इस विषय में मैंने गंभीर तौर से उनसे बात रखी थी कि क्योंकि उन्होंने इस पर विशेष ध्यान भी दिया है कि ESIC और PF का जो कि एक ऐसा मामला है कि जो कि सफाई कर्मचारी का सैलरी में से ही वेतन से ही कटता है और कर्मचारी का ही पैसा है, उसमें 12% के ऊपर 12% PF जमा करके कर्मचारी को सरकार जो है उनका एक पैसा जो PF में जमा करती है, तो अगर इस कर्मचारी के खुद के स्वयं के पैसे से अगर उसको लाभ नहीं दिया जाएगा तो यह एक कार्रवाई करने योग्य एक जो है विषय है और बिल्कुल भी इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कर्मचारी का कोई भी अहित किसी लापरवाही से किया जाएगा तो मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश। बहुत अच्छा आपने एक अपना विषय रखा है, जानकारी का अभाव। देखिए, मैंने पूर्व की बैठकों में भी और आज की बैठक में जो मेरा संवाद होगा कर्मचारी से, वहाँ सबसे पहले मेरा यही कहना है अधिकारीगण को कि जैसे कि ESIC है, ESIC का जब तक कि हम शिविर नहीं लगाएंगे, उसकी जागरूकता कर्मचारी को नहीं पहुँचेगी, उसमें क्या क्या लाभ हमारी सरकार को दे रही है पूर्व से और अब वर्तमान में, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे कि मृत्यु पश्चात 12 घंटे के अंदर अंदर को 15,000 रुपये का अंतिम संस्कार के लिए जो भत्ता मिलता है उनके अंतिम संस्कार के हेतु, और यदि कर्मचारी के घर से और कर्मचारी का कार्यालय तक आने का अगर आधे घंटे का समय होता है और यदि 1 घंटा उनका आने और जाने में लगता है तो 1 घंटे की भी जिम्मेदारी यहाँ नगर पालिका की रहती है उसमें। और इस तरीके की तमाम जो विषय हैं जो कि जागरूकता ना होने के विषय में कर्मचारी को लाभ नहीं मिल पाता, तो मेरा यह भी संदेश है कि ये जागरूकता शिविर जरूर लगाए जाएं और PF के बारे में भी जानकारी दी जाए कि अब पहले क्या था कि ऑनलाइन नहीं होता था, अब यह है कि अगर आप कभी भी बीच में अपना PF निकाल सकते हैं, पहले 1.5 मंथ के बाद में काम छोड़ने के बाद PF निकलता था, लेकिन सारी प्रक्रियाएँ जो ऑनलाइन हो चुकी हैं सरकार के द्वारा और कर्मचारी को सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, और इसी विषय में मैं यहाँ आज मेरा भ्रमण कार्यक्रम है और मैं
इस पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि कोई भी कोताही ना बरती जाए, कर्मचारी को पूर्ण तरह लाभ दिया जाए। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।